डोंट मिस दिस मोमेंट माई डियर फ्रेंड, डोंट मिस दिस मोमेंट, आई एम विद यू, आई एम विद यू ना, अमृत राज इज विद यू। हेलो गाइस, मैं अमृत राज, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश से रिलेटेड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों के। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अमृत भाई कॉमन एरर में मैं चैप्टर वाइज पढ़ लिया हूँ, पूरा का पूरा खत्म हो गया है, लेकिन जब भी मैं मिसलेनियस प्रैक्टिस करने जाता हूँ मुझसे नहीं हो पाता है, ये प्रॉब्लम्स है। दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम्स है भाई 3 महीने में एग्जाम है, इंग्लिश कैसे कवर करूँ, ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, वो कैप से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ रही है और रीडिंग सेक्शन से भी रिलेटेड, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है। ये प्रॉब्लम्स आती रहेगी और अमृत राज इज हेयर टू हेल्प यू ऑल गाइज। ठीक है, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना यार कि हर एक कदम पे आपके साथ रहूं। ठीक है, भटकना नहीं है, सबका अपना अपना लाइफ में पोटेंशियल जो होता है ना दोस्त, वो अलग अलग होता है। कोई 3 महीने में कवर कर लेगा, कोई 6 महीने में कवर कर लेगा, कोई 1 साल में कवर कर लेगा। ठीक है, वो अपना पोटेंशियल खुद डिसाइड करो, दूसरों को देख करके ना नहीं चलना है कि उसने 1 साल में इंग्लिश का सिलेबस पूरा कवर किया है तो हम भी 1 साल कम से कम लेंगे, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। सबके अंदर एक हिडन टैलेंट होता है, उसको पहचानो आप। दूसरी बात मैं बता दूं कि आप लोगों के लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, आपको मतलब जेन्युइन सजेशन चाहिए, उसके लिए नीचे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक और अपने ग्रुप का लिंक मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है, पिंट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप लोग आओ जा करके ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे शेयर करो, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और हम भी मिल जाएंगे, एक दूसरे की हम लोग हेल्प करेंगे। पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, बात होगी डीप आज, ठीक है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, लाइफ में डरना छोड़ो और करना शुरू करो, ये माइंड है, जिस डायरेक्शन में लेकर के जाओगे उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और जिंदगी एकदम मजे से जियो, ठीक है, एकदम खुश रहो। रही बात की भाई, हमने चैप्टर वाइज तो कर लिया है, हमने चैप्टर वाइज कर लिया है, काफी मतलब एरर भी मैं लगा रहा हूं चैप्टर वाइज, हमसे बन जा रहा है, टाइम एंड टेंस हमने पढ़ा, हमसे बन गया उसका प्रैक्टिस। ठीक है, हमने आर्टिकल पढ़ा, हमसे बन गया, बट मिसलेनियस में दोस्तों आती है प्रॉब्लम। अब रही बात किसका सोल्यूशन कैसे, देखो आपने जब चैप्टर वाइज पढ़ लिया ना दोस्त, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया होगा अपने लाइफ में, मैं ये उम्मीद मैं मान के चल रहा हूं कि तुमने भाई दोस्त मल्टीपल टाइम रिवीजन किया ही होगा। इंग्लिश रिवीजन मांगती है जैसे मैथ, एवरीथिंग रिवीजन मांगती है, बात की गहराई को समझो। तो रिवाइज करते करते क्या होता है दोस्त कि उस रूल में ना आप खो जाते हो, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, हैड आई सीन यू आई वुड हैव आई कुड हैव शॉट यू, समझ रहे हो, इमेजिनरी सेंटेंसेज, इफ इट विल इफ आई गो देयर दे विल बीट मी, समझने की कोशिश करो। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आपको रिवाइज करना होता है और चैप्टर वाइज हमने बना लिया है। उसके बाद जब भी मिसलेनियस पे जाओ तो दोस्त ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपसे क्वेश्चन बनने ही लगेंगे, नो माई डियर फ्रेंड, इट विल टेक टाइम ना, आपने सब कुछ अरेंज कर रखा है, आपने सब कुछ सीख रखा है, बट वहां पर मिसलेनियस में जाओगे तो आपको तकरीबन 15 से 20 चैप्टर्स को कवर करने हैं ना वहां पर आपको दिमाग चलाना है मेरे दोस्त। अब रही बात की शुरू में तो थोड़ा एफर्ट लगेगा, सपोज करो कि आप 50 क्वेश्चंस देख रहे हो, मे बी 50 में से आपसे 25 ही बने, ऐसा तो नहीं है मेरे दोस्त कि एक भी नहीं बनेगा, समझ रहे हो, 50 में से मान लो 20 ही बने, बाकी के जो 30 है उस पर एनालिसिस करो, बढ़िया से उसको देखो, जो जो पोटेंशियल उसे निकाल सकते हो, जो जो सीखने की संभावनाएं हैं उसमें खो जाओ, तब जाकर के पता चलेगा ना कि हाँ ये रूल हमने इस चैप्टर में यहाँ पे पढ़ा था, ओहो ऐसे ये काम कर रहा है, ये रूल यहाँ पे आ गया, ये रूल यहाँ पे आ गया, ऐसे काम करता है दोस्त। कभी भी आप, हम लोग क्या करते हैं ना कि एक ही बार में सीधे टारगेट पर फोकस कर लेते कि वो ही हमको अचीव करना है, नहीं, इसमें सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आप शुरू में थोड़ी सी कठिनाई होगी आपको, जैसे ही कदम बढ़ाओगे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, जैसे ही उसमें खो जाओगे, बनाओगे तो दिमाग कहेगा ओह ये एरर था यहाँ पे, और ये तो हम पढ़े हैं, और ये तो हम यहाँ पे पढ़े हैं, ऐसे फीलिंग्स आने लग जाएंगे आपको, यहाँ से जेनरेट होगा कॉन्फिडेंस, आपका माइंड खुद ही बोल देगा बेटा तुम ये सीख गए हो। मैं बोलता हूँ कि अभी 3 महीने हैं, हार मान के ऐसे बैठ मत जाओ कि नहीं होगा, लड़ो मेरे भाई, पढ़ो। हम लोगों का दिमाग यही बोलता है कि यार 3 महीने हैं सीजीएल में, अब लग रहा नहीं होगा, ये सब नहीं करना है यार,
जितना कोशिश कर सकते हो उतना कोशिश करो मेरे भाई, होगा कि नहीं होगा बाद की बातें, मैंने पढ़ा, मैंने अपने तरफ से 100% दिया, ठीक है, बस डैट्स इट। और अभी जितने भी लोगों ने 3 महीने में टारगेट कर रहे हैं ना भाई, लग जाओ, ठीक है। अभी आप कॉमन एरर अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए या फिर ग्रामर में अगर जो जो मेन चैप्टर में बता दे रहे हो, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, इतना आप कर लो मेरे दोस्त, इतना ये जो है ना ये मेन चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे ये कर लो तो धीरे धीरे अपना नाउन एडवर्ब कंजंक्शन में शिफ्ट हो जाना, ठीक है दोस्त, इतना समझ में आ गया। और उसके बाद प्रैक्टिस करो, मॉक जब भी दे रहे हो ना तो घबरा मत जाओ नंबर कम आ रहे हैं तो। सपोज करो इंग्लिश में आज मेरा 7 गलत हो गया, अरे घबराना क्या यार, सोचो कि 7 क्वेश्चन मुझे सीखने को मिले और उसको सीखो ऐसे कि दोबारा कभी जिंदगी में वो गलत नहीं हो। नोट करना पड़े मेरे दोस्त, नोट कर लो, ठीक है। चलो ग्रामर को अभी एक बार साइड में हटा देते हैं, वो कैप के लिए बोलते हो आप लोग कि कौन सा बुक इनफ है अमृत भाई, अरे किरण है ना घर में, उठा लो जितना भी बुक, जितना भी वर्ड है, जितना भी वो कैप है उसको कर जाओ, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। रेयर एंड रेयरेस्ट ऐसा कंडीशन होता है ना कि जो SSC 1 या 2 वर्ड नया पूछ दे, ब्लैक बुक है ना या फिर पिनाकल है ना, कर जाओ जो भी है ना किरण और पिनाकल में, प्रैक्टिस ही तो करना है मेरे भाई। आप किरण को देख करके अगर आपको अच्छा लगा, पिनाकल को देख करके अच्छा लगा, तो दोनों में से कोई एक उठाओ और उसको खत्म करो विद रिवीजन, ठीक है ना, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, और कोई डाउट नहीं है ना। और कमेंट में आप लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम बता दो, मैं अमृतराज हमेशा यहाँ पे हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। दोनों लोग मिल बांट के आगे बढ़ेंगे, जितने भी लोग हैं सब लोग, ठीक है। उसके बाद बस 3 महीने कंसिस्टेंट हो जाओ, 3 महीने कंसिस्टेंट जो होता है ना, कंसिस्टेंसी, you will have to be consistent at least in your life, you will have to find a reason why you are going to get a job, why do you need job, try to understand what I'm saying my dear friend, it is all about vacancies, let's see how many vacancies are there in the history of SSC in 5 years, go and check the record, and now it's time for you to achieve your goal, try to understand. Don't miss this moment, my dear friend. Don't miss this moment. Don't miss this moment. Go and do a study, my dear friend. I am with you, na. Amrit Raj is with you. I will help you at every step. Goodbye. Wish you all the very best. Go and study.